हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स फैकल्टी राजू गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा आईएएस पर आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमने पिछले 3 वीडियो में अपना क्या किया है, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन जो भी था हमने बहुत अच्छे से सीखा। बच्चों, मैंने एक टॉपिक आपसे कहा था कि मैं आपको डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा, लेकिन ये डिविजिबिलिटी बच्चों थोड़ा सा रोकते हैं, और इस डिविजिबिलिटी को मैं आपको ले चल के कहाँ पढ़ाऊंगा, नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा, वहाँ से हम लोग क्लियर करेंगे। आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, परसेंटेज। मैं अगर बात बताऊं बच्चों कि ये एक ऐसा टॉपिक है, पूरे परसेंटेज को अगर आप कहोगे तो पूरी अर्थमेटिक की ये बैकबोन है, यानी रीढ़ की हड्डी है। अगर ये आप सीख गए अच्छे से चैप्टर, तो आप पूरे चैप्टर को खूब अच्छे से कर पाओगे, पूरी की पूरी अर्थमेटिक को कर पाओगे। ये अपने आप में ही, भले आपको लगेगा एक चैप्टर है, लेकिन ये हर चैप्टर से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना, मैं बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ बच्चों। आपको बस हमारे साथ जुड़ के हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और व्यूज देने हैं बच्चों। आप मेहनत करते रहिए, शेयर करते रहिए बच्चों, और हम हमेशा आपके साथ जुड़े हुए हैं। पूरा चंद्रा परिवार, चंद्रा आईएएस आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है बच्चों। आप अपना प्यार बनाए रखिए, हम आपके साथ हमेशा लगे हुए हैं बच्चों। आइए मैं बातें करता हूं बच्चों परसेंटेज के बारे में, कि जैसे अगर मैं बात करूं बच्चों परसेंटेज के बारे में, तो इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रतिशत। इसके नाम से ही क्लियर है कि परसेंटेज यानी परसेंट, प्रति सत यानी प्रति सौ, यानी जब भी हम कोई चीज 100 में काउंट करना शुरू कर देते हैं, वो क्या कहलाने लगता है, परसेंटेज कहलाने लगता है। अगर हम कोई भी चीज को 100 में काउंट करते हैं तो वो परसेंटेज कहलाता है। इसका मतलब, एक मतलब ये भी होता है कि एक ऐसा भिन्न जिसका हर 100 हो उसे हम परसेंटेज कहेंगे, आप ये भी कह सकते हो, और उसका जो अंश होता है उसे हम रेट परसेंट कहते हैं। आप हमेशा इस बात को समझिए कि अगर कोई भी चीज हम 100 में काउंट करते हैं, जैसे आपको मैं बताता हूं कि एक ऐसा भिन्न, आप कह सकते हो कि एक ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो, जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 100 हो। अगर मैं बोलूं बच्चों कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर क्या हो, 100 हो, जिसका न्यूमरेटर 100 हो, वो क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। सॉरी बच्चों, इंग्लिश डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, जिसका डिनोमिनेटर 100 हो उसे हम क्या कहते हैं, परसेंटेज कहते हैं। तो और इसके न्यूमरेटर को हम रेट परसेंट कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तो हम आगे बात करते हैं बच्चों, कि जैसे हमने ये बोला कि कोई भी चीज़ जब हम 100 में काउंट करने लगे, मैंने कहा कि एक बच्चा मैथ में 60% नंबर पाता है, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि वो 100 में कितना पाता है बच्चों, 60 नंबर पाता है। अगर कोई बच्चा 60% नंबर पाता है, इसका मतलब हुआ कि वो 100 में 60 नंबर पाता है। ऐसे ही अगर मैं आगे बात करूं बच्चों, कि अगर कोई आदमी है जो अपनी आमदनी का 20% पढ़ाई पे अपने बच्चों पे खर्च करता है, तो वो 20% खर्च करने का मतलब ये होता है बच्चों कि वो 100 में 20 रुपया खर्च करता है बच्चों, 100 में 20 रुपया। ऐसे ही मैं कहूं कि अगर कोई बैंक है जो 4% का ब्याज देती है, तो 4% का ब्याज देने का मतलब ये होता है बच्चों कि 100 में वो 4 रुपया ब्याज देती है। आप बोलोगे कि यहां से एक बात हमको कॉन्सेप्ट समझ में आई कि मैंने बैंक में 500 रुपया इन्वेस्ट किया। आप मान लीजिए कि मैंने बैंक में कितना इन्वेस्ट किया बच्चों, 500। इसका मतलब ये है बच्चों कि हर 100 रुपये पे वो क्या करेगी, 4% के रेट से, 4% की दर से हमें 4 रुपया देगी बच्चों। 4% की दर से हमें क्या करेगी, 4 रुपया, 4-4 रुपया देती चली जाएगी। इसका मतलब कि टोटल हमें कितना देगी बच्चों, 500 पे वो 20 रुपया देगी। आप इस बात को क्लियरली समझ पा रहे होंगे बच्चों, कि मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे कोई भी नंबर की, तो 100 में जब भी हम काउंट करना शुरू कर देंगे, तो यही हमारा क्या कहलाता है, उतना परसेंट कहलाता है। आपको इस बस इस बात के ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए बच्चों कि मैं हूँ यहाँ पे, मेरे टेक्निकल सर रियाज सर हैं, तो जैसे मैंने क्या किया कि अपना 100 रुपया इनको दे दिया, 100 रुपये में से मैंने 20 रुपया इनको दे दिया, तो मैंने क्या किया, 100% का मैंने अपने पास 80% रखा और इनको 20% दे दिया बच्चों। लेकिन अगर बाहर से कोई आदमी आता है इस कमरे में और वो आता है, तो उसके लिए इनका 20 रुपया और मेरा 80 रुपया, उनके लिए इंडिविजुअली क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा। यानी यहां से एक बात ये भी पता चलती है बच्चों कि कोई भी दुनिया का कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू
आप या किसी की इनकम, किसी की सैलरी, वो अपने आप में हमेशा 100% होती है। तो आपको ये बात याद रखना है कि दुनिया का कोई भी चीज़ हमेशा क्या होगा, अपने आप में 100% होगा। तो इसी में थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं और आगे मैं आपको बताता हूँ बच्चों कि कैसे यूज करते हैं, परसेंटेज का क्या यूज है, मैं अभी आपको समझाता हूँ बच्चों। देखते हैं बच्चों कि अगर हमने कहा बच्चों कि अगर मैं किसी को देता हूँ कोई नंबर, तो कैसे क्या होता है कि वो अपने आप में 100% होता है। तो जैसे आप समझिए मेरी बात को बच्चों, कि हमने कहा कि अगर मान लीजिए कोई नंबर है अपने आप में, मान लीजिए कि 800 एक नंबर है, तो ये 800 जो नंबर होगा वो अपने आप में क्या होगा बच्चों, 100% होगा। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीखना है। कैसे मैं सिखा रहा हूँ, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी। जैसे मैंने बोला कि मैं इसके यहाँ से चाहता हूँ 10% निकालना, आप बोलोगे सर 10 आप यहाँ से मिटा दीजिए, तो 10 यहाँ से मिट जाएगा। ये 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 80 हो गई। अब अगर मैं फिर आगे बात करता हूँ बच्चों कि 1%, तो आप बोलोगे कि सर 10 मिटा दीजिए, और ये 1% की वैल्यू 8 हो गई। तो यहाँ से हमें पता चला है कि हमें जो भी निकालना होगा उस हिसाब से निकालते जाएंगे। अगर मैंने यहाँ से बोला कि आप 4% की वैल्यू बता दीजिए, जो हमारा नंबर 800 दिया था उसका मैं बोलूँ कि आप 4% की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आप बोलोगे सर 1% की वैल्यू 8, यानी हमें 4 गुना ध्यान रखना है, तो 4% की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ भी 4 से गुणा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हमने क्या किया, 4 से गुणा कर दिया, तो 4% की वैल्यू 8 में 4 से गुणा कर दिया तो 32 हो गया। आपको इस बात को समझना है। ऐसे ही कोई नंबर, जैसे मान लीजिए कि इसी 800 का ये कहा होता कि 35% निकालिए, तो हम क्या कर रहे होते हैं, हम आपको समझाते हैं बच्चों कि हमें क्या करना था, कि जैसे हम ये चीज़ देख रहे हैं कि ये चीज़ अपने आप में 100% थी, ये चीज़ अपने आप में 100% थी 800 नंबर, और हमें 35% निकालना है। तो मैंने कहा कि ठीक है इसको हम मिटाते हैं और ये 10% की वैल्यू 80 बन गई, तो पहले हम क्या करेंगे 30% निकालते हैं। तो 30% कैसे निकलेगा, तो हम इसका 3 गुना कर देंगे, तो हमें इसका भी 3 गुना करना होगा। इसका मतलब कि ये जो 30% है वो 30% क्या हो जाएगा, 240 रुपया हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ से 30% की वैल्यू क्या आ गई, 240 रुपया आ गई। अब आप बोलोगे सर 5% निकालना है, तो मैंने कहा कि अगर 10% की वैल्यू 80 है तो हम 5% यानी हाफ करते हैं, तो आप बोलोगे कि सर इसको हाफ कर दीजिए, तो ये 5%, तो इस 80 को भी हम हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि ये 5% और ये 30%, ये दोनों मिला के कितना हो गया बच्चों, 35% हो गया। इसका मतलब आप बोलोगे सर 240 और 40 कितना हो गया, 280 हो गया। यानी 35% की वैल्यू हम इजीली क्या कर रहे हैं, 280। ये जब आपके कैलकुलेशन में आएगा बच्चों तो बहुत आसान हो जाएगा, इसे आप करना सीखिए। 10% कैसे बनाते हैं, 1%, अभी तो जैसे मैंने बच्चों आपको बताया कि इस पे 0 हो, अगर किसी नंबर में 0 नहीं होगा तो कैसे करेंगे, ये भी मैं आपको सिखाता हूं अभी एक छोटे से बातों से। इसको मैं मिटाता हूं बच्चों और आगे बताता हूं आपको कि कैसे करना है। जैसे आप देखो बच्चों कि जैसे कोई नंबर मैंने ले लिया, आप मान लो कि 435 मैंने कोई नंबर ले लिया बच्चों, और 435 अपने आप में क्या है, 100% है। तो आपसे किसी ने बोला कि आप इसका क्या करो, 32% निकाल दो, तो आप बोलोगे कि सर अगर 32% निकालना होगा तो पहले आप जान लो कि 10% क्या होगा, 1% क्या होगा। तो जैसे ही मैं 10% निकालने का प्रयास करूंगा बच्चों, तो मैं यहां से 10 मिटाऊंगा तो यहां पे 1 दशमलव लगता चला जाएगा। अगर मैं फिर इसी के आगे मैं चाहूं कि 1% मुझे निकालना है, तो मैं यहां से 10 मिटाऊंगा तो ये दशमलव यहां से मिट के फिर यहां पे आ जाएगा, यानी हमारी 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.35। तो मैंने जैसे बोला कि आपको 32% की वैल्यू निकालनी है, तो आप बोलोगे कि सर ये 100% की वैल्यू कितनी थी, 435 थी, तो मैंने कहा 10 मिटा देना, यानी अगर हम 10% बनाते हैं तो इधर एक अंक पे दशमलव यानी कि 43.5 कर देंगे, तो हमें यहां से 10% की वैल्यू मिल गई। ये हमारे कैलकुलेशन के पार्ट में आ जाएगा, जल्दी से आ जाएगा। हमें जब भी सोचना होगा हम तुरंत 10% सोच रहे होंगे, तो हम यहां से दशमलव लगा देंगे, 43.5 यानी ये 10% की वैल्यू हो गई। हमें 30% बनाना होगा तो हम इसका 3 गुना कर देंगे, तो हम यहां से पा रहे हैं कि 3 5 15 कैरी 1, 3 3 9 10 0 कैरी 1, और 3 4 12 13। तो आप देख पा रहे हो कि इधर से एक अंक पे 0 लगाना, तो ये हमने 0 लगा दिया, तो ये हमारी किसकी वैल्यू बन गई, तो ये हमारी 30% की वैल्यू बन गई। अब हमें क्या करना है कि जब 30% की वैल्यू बन गई, अब हमें 2% और चाहिए। तो आपको पता था कि जैसे हमने 10% निकाला है, ऐसे ही हमें 1% अगर निकालना होगा तो हम क्या कर देते हैं कि इसके 2 अंक पे इधर 0 लगा देते हैं, यानी 4.35।
और अब हम इसका दोगुना कर देंगे, यानी दोगुना करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, 2% की वैल्यू बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर कि 4.35 को आप 2 से गुणा कर दो, तो 2 5 10 जीरो कैरी 1, 2 3 6 1 7 और 2 4 8 और 2 अंक पे लगाएंगे तो यानी कि ये 8.7 बन जाएगा 2% की वैल्यू। हम ला के अगर यहाँ पे 8.7 अगर यहाँ पे जोड़ देंगे बच्चों तो 2% हमारा ये भी हो गया, तो यहाँ से हमारा ये चीज़ बन जाएगा 32% और ये 7 5 12 2 8 1 9 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा, 139.2 बन जाएगा। आप बहुत आराम से इन चीज़ों को सीख सकते हो, आपको ये प्रैक्टिस में लानी है। जब आप इसे प्रैक्टिस में लाएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आराम से आप चीज़ों को सीख रहे होंगे। बच्चों मैं होप करता हूँ आप अच्छे से सीख पा रहे हो। हम अगले कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं और बात करते हैं। जैसे बच्चों मैं आपको थोड़ी सी एक बात और बता दूँ कि जैसे इसमें एक चीज़ की बात होती है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा आपसे बच्चों। कि अगर कोई भी चीज़ है, कोई भी परसेंटेज है, अगर कोई भी परसेंटेज है तो अगर उसे हमें क्या करना है, फ्रैक्शन में बदलना है यानी कि भिन्न में बदलना है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस पे हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। अगर कोई परसेंटेज हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो इसे हम 100 से भाग करेंगे। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे किसी ने मुझे बोला कि 20%, तो 20% को मुझे फ्रैक्शन में बदलना है तो मैं क्या कर दूंगा, 20/100 कर दूंगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा, 1/5। आप समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहा है। अगर मैं एक और एग्जांपल से समझाता हूँ कि अगर आप बात 25% के बारे में कर रहे हो तो आप बोलोगे सर 25 में 100 से भाग लगा दो। मैंने कुछ भी नहीं करना बच्चों, कि जैसे ही परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको भाग लगा देना है सीधे उसमें नंबर में। तो 25 में जैसे ही 100 से भाग करेंगे ये क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा, ऐसे ही बदलता जाएगा। जैसे आप बोलोगे सर 40% को फ्रैक्शन में बदल दो, तो मैंने कहा ठीक है, आप बोलोगे सर 40/100 हो जाएगा, और जैसे ही 40/100 होगा ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 2 4 और ये 2 5 10 यानी कि 2/5। ऐसे ही इजिली हम कन्वर्ट कर सकते हैं चीज़ों को, 20% को 1/5, 25% को 1/4, 40% को 2/5 में इजिली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको ये बात पता चल गई कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, 100 से भाग करेंगे। और यही बात अगर हमसे ये बोल दे कि हमें क्या करना हो, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, जैसे बच्चों मैं इधर बताता हूँ आपको कि अगर हमको ये बोल दे कि फ्रैक्शन को यानी भिन्न को, फ्रैक्शन को क्या करना है, परसेंटेज में बदलना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, 100 से गुणा करना होगा। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि परसेंटेज को क्या करना है, अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से भाग करना है, अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो क्या करना है, 100 से गुणा करना है। जैसे मैं यहीं से समझा देता हूँ, कोई भी आप नंबर उठा लो, 1/5 हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है, इसे हमें परसेंटेज में बदलना है, तो हम 1/5 में क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। जैसे ही हम 1/5 में 100 से गुणा करेंगे ये 20 हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि हम 20% के बारे में बात कर रहे हैं। परसेंटेज बहुत अच्छे से सीखना है बच्चों, यही मैं आपको चीज़ें समझाने वाला हूँ। यहीं से अगर मैं बात कर दूँ बच्चों कि 2/5 हमने ले लिया, तो 2/5 की वैल्यू हो गया, तो 2/5 × 100 हो जाएगा, तो 5 में हम 20 से काटेंगे तो ये हमारा आ गया फिर से 40%। तो आप देख पा रहे हो कि अगर हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदला या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदला तो यहाँ से हमारा काम होता चला गया। परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। तो आई होप बच्चों इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हो आप। इसके बाद बच्चों मैं आपको चलता हूं और परसेंटेज टेबल बना के सिखाता हूं आपको कि यहां से कैसे हम परसेंटेज टेबल करेंगे, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं बच्चों, परसेंटेज टेबल बनाते हैं। हाँ बच्चों, तो ये आपके सामने परसेंटेज टेबल चार्ट है, इसे बच्चों आपको अच्छे से याद करना है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ, आप इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। थोड़ा मैं हट जाता हूँ बच्चों, आप एक मिनट के लिए, मैं थोड़ा सा कुछ देर के लिए हटा हूँ। आप इसको देख पा रहे हो, क्लियर देख पा रहे हो बच्चों, और अभी आपको इसको क्या करना है, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब मैं इसको समझाने वाला हूँ बच्चों कि कैसे समझते हैं बच्चों। जैसे देखिए, आपको ये परसेंटेज टेबल याद करना पड़ेगा बच्चों, तो ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम 20 तक तो याद कर ही लीजिए अच्छे से। मैं कुछ समझा देता हूं कि जैसे कैसे बना है ये चार्ट। आप देखिए कि 1/2 है, इसका मतलब 50% है। जैसे ही मैंने इसका आधा किया 1/4, यानी ये भी आधा हो गया, 25% हो गया। 1/4 का जैसे ही मैंने आधा किया, 1/8 आप देख रहे हो,
तो 1/8 की वैल्यू 12.5% हो गया बच्चों। तो 12.5% का मतलब कितना हो गया बच्चों कि 12.5। फिर जब 1/16 में जैसे ही आए बच्चों आप यहाँ पे 1/16, तो आप देख रहे हो कि ये इसका आधा हो जाएगा। तो आप देखो 12 का आधा क्या हो गया बच्चों, 6 हो गया। और ये जो 2 है ना बच्चों, नीचे फ्रैक्शन में आधा होने का मतलब डबल हो जाता है, तो 2 का क्या हो गया बच्चों, 4 हो गया। तो ऐसे ही आपको ध्यान रखना है बच्चों। ऐसे ही मैं एक और बता देता हूँ बच्चों कि जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी ले लीजिए कि 1/6 ले लो बच्चों, तो आप देख रहे हो 16 से ही 2/3% है। इसके बाद हम 1/6 का डबल अगर लेते हैं तो 1/12 लेते हैं, तो आप देखो 16 का ये आधा हो गया है 8, और यहाँ पे 2 का आधा 1 हो गया है 1/3। ऐसे ही 1/12 का आप जब 1/24 के बारे में बात करोगे तो देखो 8 का आधा कितना हो गया है, 4 हो गया है। 3 मैंने बोला कि फ्रैक्शन में आधा होने का मतलब डबल हो जाता है, तो 3 का डबल क्या हो गया, 6। 4 से ही 1/6% यानी 4.16% है ये, 4.16% है ये। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है बच्चों। तो ये पूरा चार्ट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसका क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा चीजें आपको समझाता हूँ बच्चों अच्छे से। कि जैसे यहाँ से 16 से ही 2/3% का मतलब ये है बच्चों, जैसे आपको कहीं पे दे देगा कि किसी चीज आयत की लंबाई में 16 से ही 2/3% की वृद्धि कर दी गई। तो आयत की लंबाई में 16 से ही 2/3% की जब वृद्धि हमसे बोलेगा बच्चों, तो इसका मतलब हम 1/6 जानते हैं। तो आपको एक बात याद रखना है बच्चों कि ये वाली जो चीज होती है ये हमेशा ओरिजिनल को दर्शाएगी, ओरिजिनल वैल्यू को दर्शाएगी। आपको ये बात याद रखना है कि ये आयत की ओरिजिनल लंबाई को दर्शाएगी, और ये जो एक आप देख रहे हो बच्चों, जो ये 6 में एक देख रहे हो, ये एक आपकी वृद्धि को दर्शाएगी बच्चों। यानी कि आयत, अगर उसने बोला कि आयत की लंबाई में 16 से ही 2/3% की वृद्धि कर दी जाती है, तो हम ये मान लेंगे बच्चों कि आयत की लंबाई 6 है और उसमें एक की वृद्धि होकर वो आयत की अब नई लंबाई क्या हो गई, 7 हो गई। आपको ये बात समझना है। जैसे और भी मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे बच्चों बोल दिया उसने कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 11 से ही 1/9% की वृद्धि हो जाती है, तो अब उस केस में आपको याद रखना है बच्चों कि जैसे ही 11 से ही 1/9% की वृद्धि होने का क्या मतलब है, यानी कि 1/9, तो आपको ये मान के चलना है कि वृत्त की जो ओरिजिनल रेडियस है, जो ओरिजिनल त्रिज्या है बच्चों, जो ओरिजिनल रेडियस है हमारी, वो 9 है, और 9 में 1 की वृद्धि होके जो इसकी नई नई त्रिज्या बन रही होगी, यानी कि नया रेडियस जो बन रहा होगा, वो कितना हो जाएगा बच्चों, वो 9 में 1 की वृद्धि होके 9+1 बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है। इस चार्ट से आपको यही समझना है बच्चों। कई जगह इसका यूज है बच्चों। मैं पूरा परसेंटेज प्रॉफिट लॉस CI SI बहुत जगह इसका यूज करने वाला हूँ बच्चों। ये चीज़ों को आसान भी बहुत बनाता है। वैसे मैं बहुत सारी बातें बताऊंगा बच्चों, लेकिन आप प्लीज़ इस चार्ट को जरूर अच्छे से याद कर लीजिए। मैं एक बार और हट जाता हूँ बच्चों, आप ध्यान से देख लो चीज़ों को और आप इसको समझ लीजिए। ये चार्ट बहुत इंटरेस्टेड मैंने आपको इसीलिए बना के दिया कि आपको समझना है बच्चों। 2-3 वैल्यूज हैं जिनको, जैसे बच्चों आप देख रहे हो 2/3, तो ये 66 सही 2/3% होगा। ये 3/8 है 37.5% होगा। मैं 1-2 बनाना आपको सिखा देता हूँ बच्चों, और फिर उसके बाद कि आप कैसे बनाओगे इस चीज़ को, थोड़ा सा मैं इसको मिटा के बच्चों बता देता हूँ कि कैसे हम चीज़ों को बना रहे हैं। मैं बताता हूं बच्चों कि जैसे देखो बच्चों, हमें 3/8 बनाना है तो कैसे आएगा 3/8, तो आप ध्यान से देखो बच्चों कि 1/8 की वैल्यू हम देख रहे हैं 12.5% है बच्चों। तो आपको क्या करना है, हमको 3/8 बनाना है। इसका मतलब कि हम 3 से इधर गुणा करेंगे, तो 3 से हमें इधर भी गुणा करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इधर 3 से गुणा किया तो इस पूरे में भी क्या हो जाएगा, 3 से गुणा हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये 3/8 हो गया, तो जब आप इसमें गुणा करोगे तो 12 3 36 हो जाएगा, और ये 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे 3 का 1 में गुणा होकर 3/2 हो जाएगा। लेकिन आप एक बात हमेशा जानो बच्चों कि जो अंश होता है वो हर से कभी बड़ा नहीं हो सकता, मींस न्यूमरेटर कभी डिनोमिनेटर से बड़ा नहीं हो सकता। तो अगर बड़ा नहीं हो सकता तो उसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो आप जैसे ही 3/2 से भाग करोगे तो क्या बदल के आ जाएगा बच्चों, तो 1:1/2% आ जाएगा। तो इसका मतलब कि 36 में 1 जुड़ के ये कितना बन जाएगा, 37.5% बन जाएगा। आप देख रहे हो बच्चों कैसे मैंने बनाया कि आपको सिखाया। ऐसे ही आपकी मर्जी, आप किसी को भी बना सकते हो। जैसे मैं एक और बता देता हूँ बच्चों, जैसे हम लोगों ने देखा था अभी कि 1/3 की वैल्यू 33.1% था। आप देख लो ये 2/3 की वैल्यू बोला है हमसे, तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ 2 से गुणा कर देंगे। तो अगर हम इसको भी 2 से अगर गुणा कर देते हैं तो ये आप बोलोगे कि सर ये 2/3 हो गया, और ये 33 में 2 से गुणा होगा तो 66 हो गया, और ये 2/3% हो गया।
तो यहीं से हमारा ये चार्ट बन के तैयार हो पा रहा है बच्चों। तो जैसे किसी ने बोला कि किसी वस्तु में या किसी दुकानदार को 66 से ही 2/3% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब कि दुकानदार ने अगर 3 रुपया लगाया है तो उसको 2 रुपये का फायदा हो रहा है। अभी मैंने आपको समझाया कि 3 हमेशा उसकी ओरिजिनल चीज को दर्शाएगी और 2 उसके लाभ को दर्शाएगा। तो यही आपको ध्यान रखना है कि हमें परसेंटेज टेबल को ध्यान में रख के बच्चों आपको इन्हीं चीज़ को समझना है। मैंने बताया कि दुनिया की हर चीज़ अपने आप में क्या होगी बच्चों, 100% होगी। मैं यहाँ से कुछ चीज़ें आपको समझाया बच्चों कि कैसे आपको टेबल करना है बच्चों। अब मैं थोड़ा सा रोकूंगा और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस चार्ट को अच्छे से याद कर लीजिए, तभी हम लोग आगे बढ़ के इस पर कुछ बातें करेंगे। जैसे अब कल जब हमारी मुलाकात होगी तो हम इस पर बातें करेंगे बच्चों। और इस टेबल चार्ट को आप, मैं एक बार और हट जाता हूँ, आप ध्यान से देख लो बच्चों और इनको आपको तैयार रखना है। आपको हमारी इस चंद्रा IAS प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहना है, अपना प्यार देना है बच्चों, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। आप हमेशा प्यार बनाए रखो बच्चों। मैं राजू गुप्ता और इस पूरे चंद्रा IAS परिवार की तरफ से आपसे ये वादा करता हूँ कि हम आपके लिए हमेशा बेस्ट करेंगे। ये हमारा लोगो ही है कि जहाँ सलेक्शन एक जिद है, हम बस सलेक्शन चाहते हैं बच्चों आपका।